नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर एस वर्मा और आप सभी लोग का हमारे आयुष होम्योपैथी क्लिनिक गोंडा के इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों आपको अगर एलर्जी की कंडीशन बनी रहती, हम देखते हैं कि क्लिनिक पे भी बहुत सारे ऐसे लोग विजिट करते रहते हैं जिनको एलर्जी की समस्या बहुत ज़्यादा बनी रहती है, उनके शरीर में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम आती रहती है दोस्तों। और एलर्जी में सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ जो पाया जाता है शरीर पे खुजली होना दोस्तों। तो एलर्जी के इस कंडीशन को दोस्तों हम सही करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, एक ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों जिसको यूज़ करने से दोस्तों अगर आपको एलर्जी की समस्या बनी रहती है तो हमेशा के लिए सही हो जाता है दोस्तों। तो हम चार होम्योपैथिक ऐसे मेडिसिन का नाम बताने जा रहे हैं और उनको कैसे यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहेगा हमारे साथ, वीडियोस को पूरा देखिएगा और इधर रेड कलर का सब्सक्राइब का एक बटन दिया गया है नीचे दोस्तों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए दोस्तों एलर्जी की समस्या को सही करने के लिए दोस्तों, जिनके बदन पे बहुत ज़्यादा खुजली पड़ती रहती है, चकत्ते बहुत ज़्यादा पड़ते रहते हैं, स्मॉल स्पॉट्स या स्मॉल इरप्शंस होता रहता है, खुजली बहुत ज़्यादा होता है और कई बार इस तरह से देखा जाता है दोस्तों कि कोई समस्या ना होते हुए ना कोई इरप्शंस मिलेगा, ना कोई खास खुजली मिलेगा, ना किसी प्रकार की कोई समस्या रहेगी, ना रेडनेस रहेगा, फिर भी खुजली स्किन पर होता रहता है। तो इस तरह की समस्या को दोस्तों सही करने के लिए आइए हम होम्योपैथिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बता देते हैं और उसको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में भी बता देते हैं, जिससे आपकी एलर्जी की समस्या हमेशा के लिए सही हो जाती है। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि अपने खान पान रहन सहन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, कपड़ा वगैरह अपना सेपरेट करके रखें। किस चीज़ को आप ये ज़रूर देखें कि खाने के बाद मुझे प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो इस पर विशेष ध्यान देना है और हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन को लेते रहना है। तो आइए हम इस कॉम्बिनेशन के बारे में बता देते हैं दोस्तों और इस कॉम्बिनेशन को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में भी बता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम चार ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताने जा रहे हैं दोस्तों, उन चारों होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर के एक बड़े शीशी में बना करके रख लेना है दोस्तों। जैसे किसी भी मेडिसिन को आप अगर 10 ml ले रहे हैं तो 10-10 ml चारों मेडिसिन को ले लीजिए और एक बड़े शीशी में बना करके दोस्तों इस मेडिसिन को रख लीजिए और इस मेडिसिन को दोस्तों सभी मेडिसिन को 30 power में यूज़ करना है। तो आइए सबसे पहले हम बता देते हैं, पहली मेडिसिन दोस्तों जो लेना है आपको अमोनियम म्यूरेटिकम लेना है दोस्तों, 30 power में लेना है दोस्तों, बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। और एलर्जी अगर आपको बहुत ज़्यादा दिनों से बनी रहती है, चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर पे, खुजली बहुत ज़्यादा होता रहता है, तो इस तरह की समस्या को दोस्तों ये मेडिसिन बहुत तेज सही करता है। तो पहली मेडिसिन आपका अमोनियम म्यूरेटिकम हो गया दोस्तों, 30 power में लेना है। और दूसरी मेडिसिन दोस्तों आर्सेनिक आयोड लेना है दोस्तों, इस मेडिसिन को भी 30 power में लेना है दोस्तों। अगर आपके शरीर पे हल्के इरेप्शंस भी पड़े हुए हैं, रेडनेस भी बना हुआ रहता है दोस्तों, तो इस तरह की समस्या को बहुत तेज ये सही करता है। अगली मेडिसिन दोस्तों जो तीसरी मेडिसिन आपको यूज़ करना है, तीसरी मेडिसिन का नाम है नेट्रम आर्सेनिकम दोस्तों, इस मेडिसिन को भी 30 power में लेना है दोस्तों। ये मेडिसिन भी स्किन पे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दोस्तों बहुत तेज रिकवर करता है और एलर्जी की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो इस मेडिसिन को भी 30 power में लेना है दोस्तों। दोस्तों हमारी अगली मेडिसिन और लास्ट मेडिसिन जो है एलियम सीपा, 30 power में दोस्तों, 30 power में इस मेडिसिन को भी लेना है दोस्तों और बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, इसका एक्शन बहुत ही अच्छा एलर्जी के कंडीशन में दोस्तों। तो इन चारों मेडिसिन को लेकर के दोस्तों आपको क्या करना है, एक बड़े शीशी में 10-10 ml अगर आप लेते हैं तो मिला करके रख लेना है दोस्तों। आइए अभी इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। इस मेडिसिन को आपको सुबह शाम दोस्तों 5-7 बूंद आधे कप पानी में लेते रहना है दोस्तों। आपको क्या करना है, हल्का गुनगुना गर्म पानी ले लीजिए और उसमें 5-7 बूंद आपको डाल लेना है दोस्तों। 5-7 बूंद डालने के बाद आधे कप पानी में दोस्तों डालिएगा और उसको सिप बाय सिप आपको पीना है। सिप बाय सिप अगर आप हल्के हाथों से जैसे चाय पीते हैं उस तरह से पीते हैं तो मेडिसिन और अच्छे से काम करती है। तो आपको सुबह शाम 5-7 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में डाल करके लेना होता है दोस्तों और ये मेडिसिन दोस्तों बहुत अच्छे से काम करती है। और दोस्तों इस मेडिसिन को अगर आप खाली पेट लेते हैं, खाना खाने से पहले लेते हैं, तो मेडिसिन और अच्छे से काम करती है। तो जिनको शरीर पे एलर्जी की समस्या बनी हुई, खुजली बहुत ज़्यादा होती रहती है, इस तरह की समस्या को दोस्तों ये मेडिसिन बहुत जल्द सही कर देता है। तो हमने आज चार मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बताया है दोस्तों। तो चार मेडिसिन, जो पहला मेडिसिन है अमोनियम म्यूरेटिकम 30 power में लेना है दोस्तों, दूसरी मेडिसिन आर्सेनिक आयोड लेना है 30 power में लेना है दोस्तों, तीसरी मेडिसिन जो आपको यूज़ करना है नेट्रम आर्सेनिकम लेना है और चौथी मेडिसिन एलियम सीपा, ये सभी मेडिसिन 30 power में लेकर के मेडिसिन को बता दिया गया है किस तरह से आपको तैयार करना है। सभी मेडिसिन 30 power में रहेंगी दोस्तों और 5-7 बूंद
सुबह शाम आधे कप गुनगुने पानी में मेडिसिन को यूज़ करना है दोस्तों। सिप बाय सिप आपको मेडिसिन पीना होता है। मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है, एलर्जी की समस्या आपकी बहुत जल्द सही हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह की समस्या से आजकल देखते हैं दोस्तों क्लिनिक पे भी बहुत ज़्यादा लोग विजिट करते रहते हैं और इस तरह की समस्या से बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों ये मेडिसिन आपके एलर्जी की समस्या को बहुत जल्द सही कर देता है। अगर आपका जानने पहचानने वाला कोई एलर्जी की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, खुजली होता रहता है, चकत्ते पड़ते रहते हैं, एलर्जी की समस्या बनी हुई है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, खान पान पर थोड़ा ध्यान देना है। किस चीज़ को आप खाते हैं तो समस्या बढ़ जाती है उस पर विशेष ध्यान देते रहना है दोस्तों, और आपको इस मेडिसिन को यूज़ करते रहना, आपकी समस्या बहुत जल्द सही हो जाती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों एलर्जी की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन के बारे में था दोस्तों, कैसे यूज़ करना है इसके बारे में था। उन तक वीडियो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा जिनको आप जानते पहचानते हैं और इस तरह की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इधर रेड कलर का सब्सक्राइब का एक बटन दिया गया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और इधर एक बेल आइकॉन दिया गया दोस्तों, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे उसके लिए दोस्तों बेल आइकॉन दबाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नीचे दोस्तों एक कमेंट बॉक्स दिया गया, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप कोई होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं, किसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहते हैं या कुछ आप पूछना चाहते हैं, किसी डिजीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं दोस्तों, नीचे एक कमेंट बॉक्स दिया गया, कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स का रिप्लाई हम बहुत जल्द करते हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, कचरा ना फैले, पॉलीथिन का उपयोग ना कीजिए, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।